उत्तराखंड सरकार देशभर में आना श्रद्धालुओं उत्तरकाशी गंगोत्री यमुनोत्री रुद्रप्रयाग और केदारनाथ और चमोली बद्रीनाथ स्थित चार धाम दरवाजा खोली नाख्या है। आम श्रद्धालुए राज्य सरकार की शरतों पालन करवानो रहेशे। पहली शरत है कि श्रद्धालुए आगमन 72 कलाक पहला कोविड 19 टेस्ट करवानो रहेशे। टेस्ट नेगेटिव आए तो तमने ऑनलाइन मंजूरी मळशे। कोरोना वायरस ने रोकवा भारत की प्रथम स्वदेशी रसी कोवैक्सीन शुक्रवार एम्स में मानव परीक्षण शुरू थयुं। प्रथम दिवसे 30 वर्ष युवा ने रसी प्रथम डोज अपायो हतो। कोई साइड इफेक्ट नहीं आता तेने घरे मोकलायो हतो। शनिवारे अन्य लोगों पर ट्रायल थशे। देश में कोरोना दर्दियों की संख्या 13,35,210 पहुंची है। शुक्रवार देश में सतत बीजा दिवसे 47,000 से वधारे लोगों ना कोरोना पॉजिटिव केस आया है। छेल्ला 24 कलाक में 47,279 लोगों ना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। गुरुवार देश में 48,446 दर्दी मिली था। राहत की बात यह है कि अत्यार सुधी 8,48,825 लोगों ने सारू थयु। शुक्रवार 31,235 लोग बीमारी में रिकवर थया है। बीजी बाजु 753 लोगों ना मौत थया है। मृत्यु पामना आंकड़ो 31,000 ने पार थी गयो है। राजस्थान राजकीय संग्राम में शुक्रवार गहलोत विरुद्ध पायलट ना बदले गहलोत विरुद्ध राज्यपाल स्वरूप लई लीधु हतु। सवार हाईकोर्ट स्पीकर ने सचिन पायलट सहित कांग्रेस 19 विद्रोही धारासभ्य पर कार्यवाही करता अटकाव्या। त्यार पछी सीएम गहलोते शक्ति प्रदर्शन माटे राज्यपाल कलराज मिश्रा ने विधानसभा विशेष सत्र बोलावानी मांग करी। तेमनी साथे 4 बस में धारासभ्य पण राजभवन पहुंच्या हता। राज्यपाले सत्र बोलावानी मांग न स्वीकारी तो धारासभ्य राजभवन की लॉन में धरना पर बेसी गया हता अने नारा लगाव्या हता। गुजरात ने 8, मध्यप्रदेश की 27 और बिहार की 1 लोकसभा सीट सहित 10 राज्यों ने कुल 57 बैठकों माटे की पेटा चूंटी अंगे शुक्रवार चूंटी पंच की बैठक योजाई थी। कोरोना ने कारण चूंटी योजवी के केम ते अंगे चर्चा थी थी। चूंटी पंचे कहूं कि तमाम बैठकों पर पेटा चूंटी योजना आवशे, परंतु तेनी तारीख योग्य समय जाहिर कराशे तेवुं पंचना प्रवक्ता शेफाली शरण ट्वीट करीने जणाव्युं छे। आ पहला चूंटी पंचे 6 राज्यों में 8 बैठक की पेटा चूंटी 7 सप्टेम्बर सुधी स्थगित करवानी जाहरात करी हती। नेपाळ अने उत्तर बिहार में छेल्ला 4-5 दिवस भारे वरसाद थई रह्यो होवाथी नदियों में घोड़ापूर आव्युं छे। गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिला में शुक्रवार गंडक बंध 3 जगह थी तूटी गयो हतो। बंध तूटवाथी 1,000 गामों में पूरना पाणी भराई गया छे। लोको जीव बचाववा माटे ऊंची जगह तरफ जई रह्या छे। आ बंने जिला में आशरे 1,00,000 थी वधु लोगों ने असर थई छे। जिला वहीवटी तंत्र और एनडीआरएफ की टीम पूरमां फसायेला लोगों ने सलामत जगह पर पहुंचाड़ी रही छे। ब्रिटेन में पहली बार भारतीय मूलना लोगों की वस्ती गणतरी अलग थी कराई रही है। आयोजन 104 वर्ष अगाउ 1916 में स्थापित इंडिया लीग करते। ब्रिटिश भारतीयों हितों माटे काम करती इंडिया लीग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी साथ मिलकर ऑनलाइन वस्ती गणतरी करते। त्यारबाद चालू वर्ष अंत में प्रथम ब्रिटिश भारतीय रिपोर्ट तैयार होते जो 2020 में ब्रिटेन बिननिवासी भारतीयों और तेमना मुद्दा विषय जणावशे। अमेरिकाना इलिनॉय राज्यना शिकागो स्थित ग्रांड पार्क में स्थापित क्रिस्टोफर कोलंबस की मूर्ति ने हटावा फरी देखाव कराया था। मेयर लॉरी लाइटफूटे तेने हटावानो वायदो कर्यो हतो पण कार्यवाही न कराता स्थानिको नाराज थया हता। गुरुवार 2,000 थी वधु लोकोए ग्रांड पार्क खाते एकठा थई जोरदार देखाव कर्या हता। तेना पछी रात्रे लोगान स्क्वेर स्थित मेयरना घरनो घेराव करायो ते पछी मेयर कोलंबस की मूर्ति हटावानो आदेश आपवा मजबूर थया हता। विश्व में कोरोना वायरस अत्यार सुधी 1,56,51,601 केस नोंधाया है। तेमांथी 95,35,209 लोग स्वस्थ थया है, ज्यारे 6,36,464 लोगों ना मौत थया है। आंकड़ा www.worldmeters.info कोरोना वायरस अनुसार है। दक्षिण आफ्रिका में संक्रमितों आंकड़ो 4,00,000 ने पार थी गयो है। राष्ट्रपति रामपोसा गुरुवार कहूं कि वधी रहेला केस की संख्या ने ध्यान में राखीने कैबिनेटे देश में दरेक स्कूल ने आगामी 4 अठवाडिया माटे बंद करवानो निर्णय कर्यो छे। कुतियाणा और जामजोधपुर डूंगर में सफेद काड़ियार जोवा मळी हतुं। सफेद काड़ियार राजा रजवाड़ा समय में जोवा मळता हता। मृग प्रजाति में आता काड़ियार एक अलभ्य मादा मृग तस्वीर में कैद थयो छे, जे आखुं सफेद शरीर धरावे छे। हजारों काड़ियार में आवुं मृग क्यारेक जन्मे छे? वर्षो पछी आ विस्तार में जोवा मळता लोको में कुतूहल सर्जायुं हतुं। उमरपाड़ा तालुका में रात्र 6 कलाक में 4 इंच जेटलो धोधमार वरसाद खाबकता जळबंबाकार जेवी परिस्थिति सर्जाई हती। अमरेली पोरबंदर भावनगर में 4 इंच सुधीनो वरसाद खाबक्यो हतो। चालू वर्षे चौमासा में दक्षिण गुजरात करता सौराष्ट्र में सीजनो 50% थी वधु वरसाद पड़ी चूक्यो छे। उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में 35% जेटलो वरसाद थयो छे। भरूच शहर में गुरुवार रात्र वरसेला मुसळधार वरसाद कारण आरएस दलाल स्कूल नजीक आवेली बेगमवाड़ी की दीवार रात्रि धराशय थी हती। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 70 सिक्योरिटी जवानों 2 महीना थी पगार नहीं थता रोषे भराया था। शुक्रवार सवेरे 8 थी बपोरे 12 वाग्या सुधी जवानों एसओयू परिसर में सोशल डिस्टन्स साथ विश्राम की स्थिति में उभा रही अनोखो विरोध कर्यो हतो। उच्च अधिकारी आश्वासन आप्या बाद सांजे जवानों ने 1 महीना पगार चूकवी देवायो हतो। सूरत महानगरपालिका संचालित स्मीमेर हॉस्पिटल में कोरोनाग्रस्त रत्नकलाकार ने सुविधा न मळती होवानो आक्षेप करनार रत्नकलाकार नु कोरोना थी मौत थयुं छे। रत्नकलाकार ने कंई करो नहीं तो हूँ अहीं ज मरी जे शब्दों साचा ठर्या होय तेवो घाट सर्जायो छे। हॉस्पिटल में दाखल थयाना 3 दिवसे कहेला शब्दों 4 दिवस बाद कोरोना थी मृत्यु थयुं छे।
ભુજના માધાપર ખાતેની ઇન્ડસઇન્ડ બેંકના મેનેજર માધાપરના નિવૃત્ત એનઆરઆઈને પાસેથી 10,000 પાઉન્ડ ભારતના લગભગ 9,20,000 રૂપિયા 5 માસમાં ડબલ કરી દેવાની લાલચ આપી પડાવી લીધા બાદ રકમ ડબલ કરી દેવાને બદલે પરત ન આપી 420 ઠગાઈ કરતા આરોપી વિરુદ્ધ ભુજ બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવાઈ છે। રાજ્યમાં કોરોના વાયરસનું સંકટ યથાવત છે। દરરોજ 1,000થી વધુ નવા કેસ સામે આવી રહ્યા છે। ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 6,06,718 કોવિડ-19ના ટેસ્ટ થયા છે, જેમાંથી પોઝિટિવ કેસની સંખ્યા 53,631 થઈ છે, ત્યારે મૃત્યુઆંક 2,283 અને કુલ 38,830 દર્દી સાજા થઈને ઘરે પરત ફર્યા છે। કોરોના મહામારીમાં માત્ર દેશ જ નહીં પણ દુનિયાભરમાં લોકડાઉનમાં ફસાયેલા હજારો પ્રવાસીઓને સોનું સૂદ મદદ કરી રહ્યો છે। તેણે વિદેશમાં ફસાયેલા વિદ્યાર્થીઓને પરત લાવવા સ્પાઇસજેટ એરલાઇનનું વિમાન બુક કરાવ્યું છે। મધ્ય એશિયામાં આવેલા કિર્ગિસ્તાન દેશની રાજધાની બિશ્કેક સ્થિત માનસ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર શેડ્યુલ પ્રમાણે વિમાન પહોંચી ગયું હતું। ગુરુવાર બપોરે 3:50 135 વિદ્યાર્થીઓ સાથે પ્લેને ઉડાન ભરી અને તેઓ 9:40 વારાણસીના બાબતપુર એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા હતા। ફેન્ટેસી ડ્રામા બ્રહ્માસ્ત્રનું શૂટિંગ ઓક્ટોબરથી ફરી શરૂ થઈ શકે છે। ડિરેક્ટર આયાન મુખર્જીએ ફિલ્મના 26 દિવસના બાકી શેડ્યુલને 2 શિફ્ટમાં શૂટ કરવાનો પ્લાન બનાવ્યો છે। આ માટે રણબીર કપૂર અને આલિયા ભટ્ટે 2 શિફ્ટમાં શૂટિંગ કરવું પડશે। ફિલ્મનું શૂટિંગ લોકડાઉનને કારણે માર્ચથી અટકી ગયું છે। 6 વર્ષ પછી યુએઈ ફરી એક વખત મની સ્પિનર ક્રિકેટ લીગ આઈપીએલની યજમાની માટે તૈયાર છે। આઈપીએલ ગવર્નિંગ કાઉન્સિલના ચેરમેન બ્રિજેશ પટેલે શુક્રવાર 19 સપ્ટેમ્બરથી 8 નવેમ્બરની તારીખ લોક કરી છે। દેશમાં કોરોનાના વધતા કેસોને ધ્યાને રાખીને બીસીસીઆઈએ લીગને વિદેશમાં કરવાનો નિર્ણય લીધો છે। યુએઈમાં 2014માં IPL20 રમાઈ હતી, આથી બીસીસીઆઈએ આ દેશ પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે। જોકે $1 મિલિયનવાળી લીગમાં ફેન્સને એન્ટ્રીની આશા ઓછી છે। 30-40% ફેન્સને પ્રવેશનો વિકલ્પ ખુલ્લો છે। ફેન્સને સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશની મંજૂરી આપવાનું સરકાર નક્કી કરશે અને તેના માટે અલગ પ્રોટોકોલ હશે।